मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो में 59 साल शख्स के कत्ल का इल्जाम, 8-9 उम्र लड़कियां गिरफ्तार। एनी शाहिद का कहना है कि 9 उम्र लड़कियों ने मकतूल से शराब छीनने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक वाकये की मजीद तहकीकात की जा रही है। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से टोरंटो में शदीद बर्फानी तूफान की पेशगोई। शदीद बारिश और बर्फबारी के साथ 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। एनवायरमेंट कैनेडा का कहना है कि जुम्मा और हफ्ते तूफान के लिए बदतरीन दिन हो सकते हैं। टोरंटो में वान के एक कॉन्डो में फायरिंग से हलाक होने वालों की याद में शमाए रोशन। तकरीब में शहरियों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मरने वालों की याद में एक मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। यूक्रेन जंग की जिम्मेदारी रूस पर आयद नहीं होती। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को अब भी ब्रदर मुल्क के तौर पर देखते हैं। आपके पैसे इमदाद नहीं, सरमायाकारी हैं। यूक्रेनी सदर ने अमरीका को वाजा कर दिया। बरतानिया में तनख्वाहों में इजाफे के लिए की जाने वाली एहतजाजी हड़ताल का दूसरा दिन। तिब्बी इमदाद की खिदमात संभालने बरतानवी फौज मैदान में आ गई। बरतानिया में 25,000 कारकुनान की हड़ताल की वजह से सेहत का निज़ाम शदीद मुतासिर हो रहा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के शहर टोरंटो में एक 59 साल शख्स के कत्ल के इल्जाम में 8-9 उम्र लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में एक 59 साल शख्स के कत्ल के इल्जाम में 8-9 उम्र लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूल शख्स के दोस्त का कहना है कि टोरंटो में एक मुबैना भीड़ का हमला उस वक्त शुरू हुआ जब कत्ल में मुलविस 8-9 उम्र लड़कियों ने मुतासिरा और उसके दोस्त से शराब की बोतल लेने की कोशिश की। वाकये की एनी शाहिद खातून ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि शहर की एक पनाहगाह के बाहर उस शख्स के साथ सिगरेट पी रही थी जब 9 उम्रों का ग्रुप उनके पास पहुंचा और उसकी शराब पीने की कोशिश की। 9 उम्र लड़कियों ने मकतूल पर तशद्दुद किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते की रात को कनाडा के शहर टोरंटो में 59 साल शख्स को चाकू के वार से कत्ल करने के वाकये में 8 लड़कियों पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि लड़कियाँ जिनकी उम्र 13 और 16 के दरमियान है को जाए वकवा के करीब से इतवार को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया मकतूल जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया हमले के वक्त बेघर अफराद के लिए बनाई गई एक पनाहगाह में रह रहा था। पुलिस का ख्याल है कि लड़कियों ने झगड़े के बाद टोरंटो में 59 साल शख्स पर चाकू से हमला किया और फरार हो गई। बाद अज़ा इमरजेंसी एहलकारों ने मुतासरा शख्स को जख्मी हालत में देखा और अस्पताल ले गए जहां वो जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक वाकये की मजीद तहकीकात की जा रही है। टोरंटो पुलिस के जासूस सर्जेंट टेरी ब्राउन के मुताबिक आधी रात के करीब ये शख्स जख्मी हालत में मिला था जो अस्पताल में दम तोड़ गया। उन लड़कियों को हमले के मकाम के करीब से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से मुतादित हथियार बरामद किए गए हैं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में शदीद बर्फानी तूफान की पेशगोई की गई है जिसके मुताबिक शहर में बारिश शदीद बर्फबारी समेत 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है।
दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में शदीद बर्फानी तूफान की पेश गोई की गई है, जिसके मुताबिक शहर में बारिश, शदीद बर्फबारी समेत 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। इन्वायरमेंट कनाडा ने खबरदार किया है कि छुट्टियों के अख्तितम हफ्ते के दिनों में टोरंटो और आसपास के इलाके मौसम सरमा के तूफान के लिए खुद को तैयार करें। वफाकी मौसमियाती एजेंसी लोगों पर जोर दे रही है कि वो अपने तातीलात के सफरी मनसूबों पर नजरसानी करें, जिसमें जुमा और हफ्ते तूफान के बदतरीन दिन होने की पेश गोई की गई है। इन्वायरमेंट कनाडा का कहना है कि यहां तक कि अगर आप अपनी जगह पर रहते हैं तो वसी यूटिलिटी बंदिश के इम्कान के लिए तैयार रहें। इन्वायरमेंट कनाडा का कहना है कि टोरंटो और जीटीए में 5 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी जमा हो सकती है। मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार किया है, लेकिन अभी भी कुछ गैर यकीनी सूरत हाल है कि कितनी बर्फबारी हो सकती है। कनाडा के सबसे बड़े टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट ने बुध को मुसाफरों को मशवरा दिया कि मौसम की वजह से परवाजें मुतासर हो सकती हैं। दरी असना टोरंटो सिटी का कहना है कि वो तूफान के दौरान बर्फ साफ करने वाले अमले और आलात को आला तरजीही मकामात पर भेजेगा। जैसे ही बर्फ जमना शुरू हो जाएगी, नमक के छिड़काव का काम शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों में 25 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ी है। शदीद बर्फबारी के बायस कनाडा के दूसरे मसरूफ तरीन वैनकूवर एयरपोर्ट पर परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार हुई है। परवाजों की आमदोरफ्त मुतासर होने का सिलसिला क्रिसमस वीकेंड से पहले तक जारी रहने का खदशा जाहिर किया गया है। टोरंटो के शुमाल में वाकिया एक कॉन्डोमिनियम में हफ्ते के आखिर में फायरिंग के वाकिये के मरने वालों की याद में शमाएं रोशन करने की तकरीब में 150 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के शुमाल में वाकिया एक कंडोमिनियम में हफ्ते के आखिर में फायरिंग के वाकिये के 5 मुतासरीन के लिए शमा रोशन करने की तकरीब में 150 से ज़ायद लोग जमा हुए। ब्रिटा कैमलेरी, विटरियो पांजा, रेसलमानो हेलन मानोक और नोवेदा दादा हलाक हो गए थे और एक खातून डॉरियन डीनैनो इतवार की रात उस वक्त शदीद जख्मी हो गई थी जब एक 73 साल बंदूक बरदार ने वॉन ओंट की इमारत पर फायरिंग की थी, जो बाद में पुलिस के हाथों मारा गया था। तकरीब वॉन सिटी हॉल के बाहर मुनक्किद हुई, जिसमें मेयर स्टीवन डील डोका और मीपल कम्युनिटी चर्च के पादरी जैसन क्ली समेत दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने खिताब किया। मुकर्ररीन का कहना था कि बराह करम अपनी रोशनी को चमकने दें और उनकी याद आपके जरिए जिंदा रहेगी। क्रिसमस के इस मौसम में उनके बारे में शानदार बातें बताई। उस छुट्टी के मौसम में उन्हें याद रखें, उनके लिए शुक्रगुजार रहें। हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। मरने वालों के खानदान के अफराद उनके दोस्तों के साथ शामिल हुए और कम्युनिटी के दुख में शरीक हुए, ताकि वो अपने प्यारों की यादों को जागते में याद कर सकें। हाजरीन ने उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए शमे रोशन की और फूल उठा रखे थे। डील डॉका ने कहा कि कम्युनिटी अब भी उन हलाकतों के बारे में बेएतमादी की हालत में है और जवाबात से ज्यादा सवालात बाकी हैं। उन्होंने जाबहक होने वालों के नाम पढ़कर सुनाए और हाजरीन ने उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए एक लम्हे की खामोशी इख्तियार की। डील डोका ने कहा, मुझे ईमानदार होना पड़ेगा, मुझे यकीन नहीं है कि हम में से किसी के पास ऐसे अल्फाज हैं जो मुनासिब तौर पर ये बता सकते हैं कि हम आप सब के लिए आपके नुकसान के लिए एक कम्युनिटी के तौर पर कितने तबाह और दिल टूटे हुए हैं। ऑन्टेरियो एजुकेशन स्टीफन लेसी, जिनका खानदान एक वक्त उस इमारत में रहता था, ने भी तकरीब में शिरकत की। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन जंग का जिम्मेदार रूस नहीं है, जबकि यूक्रेन के सदर ने वाजिया कर दिया है कि अमेरिका के पैसे सरमायाकारी हैं, खैरात नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन जंग का जिम्मेदार रूस नहीं है, जबकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका के पैसे सरमायाकारी हैं, खैरात नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सीनियर रूसी फौजी अहलकारों से खिताब में यूक्रेन जंग को दोनों ममालिक के लिए अलमिया करार देते हुए कहा कि वो यूक्रेन को अब भी ब्रादर ममालिक के तौर पर देखते हैं। रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन का तनाज़ा तीसरे ममालिक की पॉलिसियों का नतीजा है। मगरबी ममालिक ने साबिक सोवियत यूनियन की रियासतों का ब्रेन वॉश करने का अमल यूक्रेन से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हमने बरसों यूक्रेन को कर्जों और सस्ती तवानाई फराहम करने की पेशकश की, ताहम इस इकदाम का भी कोई नतीजा नहीं निकला। रवां साल फरवरी में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें अब तक हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह कर दिया कि अमरीका के पैसे सरमायाकारी हैं, खैरात नहीं। अमरीका के दौरे पर आए हुए यूक्रेन सदर ने अमरीकी कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा कि तमाम मुश्किलात के बावजूद यूक्रेन गिरा नहीं और अब भी दिफा कर रहा है। यूक्रेनी सदर ने कहा कि यूक्रेन ने कभी भी अमरीकी फौजियों को अपनी सरजमीन पर लड़ने के लिए नहीं कहा। हमारे फौजी खुद अमरीकी टैंक्स और तैयारे मुकम्मल तौर पर चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को इमदाद जमहूरियत के लिए सरमायाकारी है, चैरिटी नहीं। उम्मीद है कांग्रेस अराकीन यूक्रेन की इमदाद जारी रखेंगे।
برطانیہ میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہڑتال کے باعث برٹش آرمی کا میڈیکل کور میدان میں آ گیا۔ فوج مریضوں کو اسپتال منتقل کرنے اور طبی امداد دینے میں مصروف ہو گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ہڑتال کے باعث برٹش آرمی کا میڈیکل کور میدان میں آ گیا۔ فوج مریضوں کو اسپتال منتقل کرنے اور طبی امداد دینے میں مصروف ہو گئی ہے۔ طبی امداد کی خدمات سنبھالنے کے لیے برطانوی فوج میدان میں آ گئی ہے۔ برطانیہ میں 25,000 کارکنان کی ہڑتال کی وجہ سے صحت کا نظام شدید متاثر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو فوج کی مدد لینی پڑی ہے۔ برطانوی نرسوں کی جانب سے ایک ہفتے میں دوسری بار تنخواہوں میں اضافے کے لیے کی جانے والی احتجاجی ہڑتال کا آج دوسرا دن ہے، جس کی وجہ سے اسپتالوں میں آپریشن منسوخ ہو گئے ہیں۔ برطانوی حکومت نے تنخواہوں میں 5% اضافے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ ادھر نرسوں کے بعد انگلینڈ ویئر ویلز میں ایمبولینس کارکنان نے بھی تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتال کر دی ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔